हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के बारे में, साथ ही दोस्तों बात करूंगा जियो के बारे में, स्टार ब्रॉडकास्टर के बारे में। और आईपीएल की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है और केबल टीवी के साथ साथ डीटीएच के प्लेटफॉर्म और ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे भी आईपीएल के प्रसारण किया जा रहा है। उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट है जो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये आर्टिकल मुझे इंडिया टीवी की तरफ से मिला है, डेट्स वे आई एम गिविंग द एंटायर क्रेडिट टू इंडिया टीवी। और दोस्तों मैं बता दूं, आईपीएल 2023 की टीवी व्यूअरशिप में गिरावट, जियो सिनेमा ने स्टार नेटवर्क को बुरी तरह पछाड़ा। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करिए, नहीं सहमत हैं तो भी कमेंट करिए। तो जैसे कि दोस्तों बता दूं कि आईपीएल 2023 व्यूअरशिप यानी कि आईपीएल 2023 के व्यूअरशिप के आंकड़े सामने आने लगे हैं। जियो सिनेमा ने पहले हफ्ते में ही स्टार नेटवर्क के पिछले पूरे सीजन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके अलावा टीवी व्यूअरशिप में भी भारी गिरावट आई है। जैसा कि दोस्तों बता दूं, आईपीएल का 16वां सीरीज चल रही है और इस बार जियो नेटवर्क ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी धूम मचा रखी है कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क बुरी तरह से पिछड़ गया, ऐसा उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। और ये तो बात डिजिटल की हो गई, वही टीवी व्यूअरशिप के भी गिरने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2023 के सीजन के पहले मैच में पिछले 6 सत्रों में टीवी व्यूअरशिप के मामले में दूसरी सबसे बड़ी कम संख्या दर्ज की गई, हालांकि डिजिटल व्यूअरशिप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दूं दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट के ऑफिशियल टेलीकास्ट चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने ओपनिंग डे पर 7.29 रेटिंग दर्ज की, जो कि 2021 संस्करण में 8.25 और 2020 में 10.36 से मापी गई थी। इसके अलावा पहले गेम के लिए टीवी व्यूअरशिप की संख्या 33% थी, जो कि पिछले सत्रों में दूसरी सबसे कम बनी। बार्क संख्या की इस भारी गिरावट को दर्शाती है, जिससे पिछले वर्ष के 23.1% के विपरीत इस बार 22% दर्ज की गई है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो आईपीएल 2023 की ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर और जियो सिनेमा ने पिछले साल जो रिकॉर्ड बनाए थे उसके बारे में अगर बात करो दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जियो के जो व्यूअरशिप है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न। और जिसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पहले बुरी तरह पछाड़ दिया है, क्योंकि पहले डिज्नी हॉटस्टार पे और टीवी पे स्टार प्लस स्टार के स्पोर्ट्स चैनल पे आते थे तो अच्छी खासी टीआरपी आती थी। जियो सिनेमा का आईपीएल डेब्यू रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग डे के साथ सफल साबित हुआ है। जियो सिनेमा पहले दिन से कुछ 2.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किए गए हैं, बहुत सारे आंकड़े ऐसे आए हैं। और अगर अंत में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आईपीएल 2023 में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे और 70 मुकाबले लीग स्टेज के होंगे, 28 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अभी एक हफ्ता बीता है और जियो नेटवर्क ने स्टार नेटवर्क को तगड़ा झटका देते हुए पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब देखना होगा कि लीग के अंत तक वायकॉम 18 और कितने कीर्तिमान बनाता है और पुराने कीर्तिमानों को ध्वस्त करता है, और साथ ही टीवी व्यूअरशिप की जो पहले दिन गिरावट आई थी उसे अंत तक स्टार नेटवर्क पर कवर कर पाता है या नहीं। तो बेसिकली ये इंडिया टीवी की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है रजत शर्मा जी द्वारा, उनके द्वारा पब्लिश किया गया है। इस पे आपका क्या रिएक्शन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोगों का भी कहना है कि जियो पे जो आईपीएल चल रहा है उसमें बफरिंग का इशू होता है, जहाँ पर नेट की इशू है, फ्री में भले ही दिखा रहे हैं बट कंटेंट जो टेलीविज़न पे क्लैरिटी के साथ देखने को मिलेगा वो चीज़ तो ओटीटी में नहीं मिलेगा। छोटे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, टेलीविज़न में बड़े स्क्रीन पे अच्छे क्वालिटी में आप देख पाओगे। आपका इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। होप सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट।